हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स करेंटली, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो भी व्यक्ति आपके मन में है, आपके थॉट्स में है, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, क्या करेंटली आपको याद कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, जानने की कोशिश करते हैं। तो फोकस उस पर्सन पर बना कर रखिएगा, साथ में यूनिवर्स प्रेज ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल सेंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, सब के लिए है। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स, सोच क्या रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। ओके, राइट नाउ आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई करते हुए मुझे दिखाई दिए हैं, इनकी नज़र आप पर है। ये वही हो सकते हैं जिनके साथ फाइट हुआ है कुछ दिन पहले, कुछ मंथ्स पहले, इनके साथ कन्फ्लिक्ट हुआ है, आपका आर्गुमेंट्स हुआ है, इनके साथ जो रिलेशनशिप था, सिचुएशनशिप था, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड था, ऐसा चांसेस है। इनका बिहेवियर आपके प्रति काफ़ी हो सकता है कि राइट नहीं था, ठीक है। एरिस, लियो, सजिटेरियस ये हो सकते हैं, फायर शाइन के हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। 14 नंबर इनसे रिलेटेड हो सकता है, 5 नंबर इनसे रिलेटेड हो सकता है, या आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैं सर देख पा रही हूँ इस व्यक्ति की फीलिंग्स ऐसा है, फाइट तो कर लिया है, फाइट तो हुआ है आप दोनों के बीच, पर फाइट के बाद आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, आपसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दूर बैठ के आपको वॉच करना, कुछ टॉक करना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करना। एक फायर एनर्जी में इनमें देख पा रही हूँ आपके प्रति, सेक्सुअल एनर्जी में देख पा रही हूँ, अट्रैक्शन मेजर लेवल का देख पा रही हूँ, अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आप दोनों हो सकते हो, जैसे भी हो, ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है, आपको एडमायर करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, ये पर्सन खुद से दिल से आपको पसंद काफ़ी ज़्यादा करते हैं, आप में इंटरेस्ट लेते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने खुद को स्टॉप किया है, कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस कहीं पर किया था, ऐसा चांसेस है, किसी और से बात करने लग गए, ऐसा भी मुझे चांसेस दिखाई दिया है, या अपना एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट करना, कैरियर में, कैरियर पर फोकस करना, कुछ नए स्टार्ट करना अपने कैरियर में, आपसे डिस्टेंस बना लेना। डिस्टेंस बनाकर क्या कर रहे हैं, हाँ कहीं और मुझे इन्वॉल्व दिखाई दिए हैं, अपने कैरियर पर फोकस करते हुए दिखाई दिए हैं, कोई और रिश्ते में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं करेंटली, ठीक है, किसी और के साथ हैं, कहीं और रिश्ते में हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ। बाकी डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए थे, ऐसा चांसेस है, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे आपके पर्सन, कैरियर भी रीज़न हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है, ठीक है, इनका डिस्ट्रैक्शन, कैरियर, कुछ सिचुएशन, कुछ लोग, ऐसा कुछ चांसेस है। मैं कुछ लोग ले ऐसा देख पा रही हूँ, इनका जो थॉट्स है आपको लेकर पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है, इस रिश्ते के आउटकम को लेकर, ठीक है, कि नेक्स्ट क्या होगा। वो होता है ना, जब हमारे साथ कुछ होता है, किसी के साथ रिश्ते में रहते हैं, जो कुछ भी होता है, फिर हमें आइडिया आ जाता है, हमारे मन में थॉट्स आ जाती है कि नेक्स्ट क्या होगा, हम किस एनर्जी में हैं, हमारे मन में क्या थॉट्स आ रहे हैं उनके प्रति, उस सिचुएशन के प्रति, ठीक है। तो आपके पार्टनर का थॉट्स में ऐसा देख पा रही हूँ आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, कि फिर से स्टार्ट होगी इसके साथ, एकदम से एंड हो गया है, हो सकता है एंड हो गया है, बट हमेशा एंड ही रहेगा, अब कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने टोटली भुला दिया है उसको, ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ, या आपके वॉश हो सकते हैं, या तो आप इनके हो, एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच, हो
और क्या सोच रहे हैं ये व्यक्ति आपके बारे में, इनका इमोशंस मुझे क्या है आपके ना। ओके डेविल, वैसे तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ नाराज़गी है आप दोनों के बीच, ब्लेम गेम हो सकता है, टॉक्सिक अनहेल्दी सिचुएशन हो सकता है, ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं, अनहेल्दी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, पर फिर भी अट्रैक्टेड हैं आपसे, ठीक है, क्लोज आना है इस व्यक्ति को। मैं अट्रैक्शन देख पा रही हूँ करेंटली, काफ़ी पॉजिटिव है ये पर्सन आपको लेकर, ठीक है, कि आप किससे बात कर रहे हो, किसके टच में हो, ये खबर लेते रहते हैं, इनकी नज़र होती है, ये नहीं चाहते कि आप कहीं और रिश्ते में आगे बढ़ो, कहीं और इन्वॉल्व हो, कहीं और जाओ, ठीक है, आप इनके ही हो, इस तरह के एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जैसे भी हो पर आप इनके हो। किसी बात को लेकर मुझे नाराज़गी दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच, ठीक है, हो सकता है इन्होंने कुछ ऑफर किया था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया, या आपने ऑफ़र किया था इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो रिग्रेट भी है, ये चाहते हैं कि आप दोबारा से तिबारा से चौबारा आप कंटिन्यू करते रहो, ये इग्नोर करते हैं, आपको टेंशन नहीं देते, भाव खाते हैं, ये खाते रहे और आप इनको चेज करते रहो, इनके एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्या है इनकी एनर्जी, क्या चाहते हैं ये नेक्स्ट आपके रिश्ते में, इनको चाहिए क्या आपसे या आपके रिश्ते से। ओके कम्युनिकेशन चाहिए, ऑफर चाहिए, हो सकता है कि ये व्यक्ति कंफ्यूज है, इनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है, इनको कुछ करना है, इनको समझ नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए, आपको ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए ये चाहते हैं कि आप इनको ऑफ़र करो, और कुछ लोग लिए मुझे ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है कि ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, करेंगे तो आपका एक्सेप्टेंस चाहेंगे डेफिनेटली, आप एक्सेप्ट करो, आप अलाउ करो इनको अपने लाइफ में, आप मौका दो, चांस दो, इनका सुनो, इनका लव, इनका ऑफ़र एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, यही चाहेंगे ये पर्सन, ठीक है। और अगर आपकी एनर्जी ऐसा रहता है कि मुझे नहीं चाहिए या मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें लेकर कंफ्यूज हूँ, मुझे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आप डाउटफुल एनर्जी में रहते हो, इनको काफ़ी गुस्सा आएगी आप पर, ठीक है, वैसे तो दिखाएंगे नहीं, खुद को कूल एंड काम दिखाएंगे, रखने की कोशिश करेंगे, पेशेंशली डील करने की कोशिश करेंगे, पर अंदर ही अंदर इनको काफ़ी गुस्सा आएगी आप पर, अगर आप कंफ्यूज रहते हो, डाउटफुल एनर्जी में रहते हो, इनको एक्सेप्ट नहीं करते हो, इग्नोर करते हो, या ऑलरेडी आपने किया है, तो काफ़ी गुस्से में मुझे दिखाई दे रहे हैं इनको, इनका ऐसा एनर्जी है ना कि इसको दिखाई ही नहीं देता मेरा प्यार, मैं कुछ भी कर लूँ इसके लिए, इसको दिखाई ही नहीं देता मैं क्या सोचता हूँ, कितना तड़पती हूँ, मैंने क्या क्या नहीं किया है इसके लिए, इसको कभी नज़र ही नहीं आता, बस नज़र आता है तो मेरी गलतियाँ, ये खुद क्या करते इनको नहीं पता होता है, अपनी गलतियां नहीं दिखती, पर हाँ मेरी ज़रूर दिखती है इनको, इनका ऐसा थॉट्स मैं देख पा रही हूँ। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं करेंटली, क्या कहना चाहते हैं आपसे, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ अगर आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट कोई पर्सन आप दोनों में से कोई एक पर्सन यहाँ पर सामने वाले पर्सन को ऑफर करने वाला है। अगर आपकी एनर्जी ऐसा है कि नहीं मुझे किसी तरह का ऑफ़र नहीं करना है, मैं कंफ्यूज हूँ, तो ये पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे, ठीक है।
और आप डाउटफुल एनर्जी में रहोगे, आप कंफ्यूज रहोगे, एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट ये होने वाला है। और अगर आप सोच रहे हो कि इनको ऑफर करूँ और ऑलरेडी इस पर्सन ने दिखा दिया है कि ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रही है, तो ये व्यक्ति डिले करेंगे, आपके ऑफर को ठुकरा सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है होते हुए। कुछ लोग यहाँ पर परफेक्ट मैच हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, क्योंकि किंग और क्वीन है और दोनों की ही नज़र एक दूसरे पर है, दोनों ही सिंगल हो या दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो और दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो, इमोशंस है, फ्रेंडशिप होगी आप दोनों के बीच, या तो बेबी होगी, आप दोनों साथ में आ रहे हो, यूनियन में आ रहे हो, मीटिंग होने वाला है। ठीक है, ये होने वाला है। आई थिंक इनको कहीं से लेट गो करना है या अपने ईगो को साइड में रख कर आपको ऑफर करना है, आपसे कम्युनिकेट करना है। अगर ये डिटैच हुए थे, ये दूर गए थे, तो ये करेंगे। आप गए थे, आप हुए थे, तो आपसे उम्मीद करेंगे। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको करेंटली, क्या कहना चाहते हैं? ओके, ये कहना चाहते हैं ये इनोसेंट है, ये धोखेबाज नहीं है, ठीक है, प्लेयर नहीं है। वैसे तो हो सकता है कि इनके एनर्जी प्लेयर वाला है, धोखेबाज है, चीट किया है, कुछ ना कुछ झूठ बोले है, बातें छिपाई है आपसे, पर ये फिर भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, अपनी गलतियों को आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो इनको पता है कि इन्होंने क्या करा है आपके साथ, बट ये खुद को इनोसेंट साबित करना चाहते हैं। सबके लिए ये पर्सन रॉन्ग नहीं है और सबके लिए ये पर्सन राइट भी नहीं है। तो देखिए आपका पर्सन कैसा है। ठीक है, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैं बेवकूफ़ हो सकता हूँ, हो सकती हूँ, मैंने बेवकूफ़ियाँ किया है, आई नो, मुझे पता है मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ किया है, बट मैं इनोसेंट हूँ, मैं लॉयल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं तुम्हारे प्रति राइट हूँ, तुम्हारे प्रति मैं ऑनेस्ट रहा हूँ, रही हूँ। ये कहेंगे, कहना चाहते हैं आपसे, आपके इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में किसी और को आने नहीं दिया है, आपको ही चाहते हैं, आपकी बिना ये अलून है। ये चीज़ आपको पता है, ये तो पता होगी, आप जानोगे इनके बारे में। ठीक है, आपसे दूर होकर ये अलोन है, ये अकेले हैं, दिखाएंगे आपको। तो आपका पेशेंस, आपकी पॉजिटिविटी, आपका लव, आपकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, आपकी क्वालिटीज़, आपकी गुड क्वालिटीज़, जो आपका ट्रू लव है, उसको अट्रैक्ट करेगा ये। ठीक है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को। तो ये आ रहा है आपके लिए मैसेज। ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।